नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल ने सरगुजा को करोड़ों रुपए की सौगात दिए। कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी सौगात। देवेंद्र कुमार सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया। करीब 374 करोड़ की लागत से किया गया निर्माण। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री शिव कुमार डहरिया भी मौजूद रहे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौगात दी है। देवेंद्र कुमारी सिंहदेव चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, एक बार फिर से बड़ी सौगात दी गई है, क्या कुछ जानकारी? मोहन मरकाम सहित कई मंत्रियों को आज सरगुजा संभाग के दौरे पर रहना था और दौरे के दौरान कई सौगातें जो है प्रदेशवासियों को देनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण विजिबिलिटी कम थी, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बाकी के नेता जो है अंबिकापुर नहीं पहुंच सके। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सीएम हाउस में से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम बघेल ने करीब 374 करोड़ और 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन और माता राजमोहनी देवी स्मृति चिकित्सालय के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया है। इन कामों में मुख्य रूप से 54 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बने महाविद्यालय भवन और 120 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बने हॉस्पिटल भवन के साथ ऑडिटोरियम, छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, डीन आवास सहित कई काम जो है वो शामिल है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बार सरगुजा वासियों को बड़ी सौगात दी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है और डिप्टी सीएम और शिव कुमार डहरी अभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। रायपुर में 7 जुलाई को हुए पीएम मोदी के